सांप। हैप्पी दिवाली मम्मी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पापा, हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली गाइस। देखो मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, भाई तू भी दे दे, छोटा है तो क्या, भाई दे दे, तू भी दे दे, चल तुझे मैं देती हूँ आशीर्वाद, जल्दी फूले फूले पैसा कमाए खूब और मुझे शॉपिंग। हैप्पी दिवाली बड़ी मम्मी, मम्मी को नाम नहीं आता है, हैप्पी दिवाली का। दिवाली मेरी स्वाभी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाभी, थैंक यू। यहाँ पे कृष्णा जी रख रहे हैं नया चूल्हा, तो मम्मी बोलती है कि किसी भी लड़की का हाथ लगना चाहिए चूल्हे पे, तो मैंने हाथ लगा दिया और इस पे कुछ मीठा भी बनेगा। तो गाइस देखो मैं बना रही हूँ अभी लड्डू, बेसन के लड्डू बना रही हूँ और इधर रखा है खाने पीने का सामान। तो अभी तो थोड़ा दिन है तो सोच रही हूँ पहले खाने पीने का ही बना लेती हूँ, फिर तो टाइम नहीं मिलने वाला है। और अभी डेकोरेशन भी करना है मुझे, डेकोरेशन भी नहीं हुआ यार, मैं क्या कर रही हूँ सुबह से पता ही नहीं, काम इतनी बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा और कोई हेल्प कराने नहीं आ रहा मेरा, सारे निठल्ले पूरे बैठे हुए हैं लेकिन मेरे एक भी हेल्प नहीं करा रहा। और इधर मेरे चावल बोल हो रहे हैं तो इनको भी मैं बनाने वाली हूँ, और काजू कतली बनाने का भी सोच रही हूँ, अभी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि हमारी मिक्सी हो चुकी है खराब, वो कहाँ गई, मिक्सी खराब हो चुकी है। तो मैं इधर एक भाभी के मिक्सी है तो उसमें जाके मैं पीस के लेके आऊंगी, वरना तो फिर काजू कतली को अवॉइड ही करेंगी। तो अभी डेकोरेशन का सामान तो लेके आ गए, डेकोरेशन करना बाकी है, डेकोरेशन करूंगी। तो गाइस इधर बन रहे हैं मेरे चावल येलो कलर के, मैं घी में बना रही हूँ फ्राई करके, आधे मैंने ऐसे रख दिए हैं बॉईल करके, क्योंकि पापा वैसे ही खाते हैं बस चीनी मिला के। तो काजू कतली का जो मेरा प्लान था वो हो गया चौपट, क्योंकि यार थोड़ा लेट हो गया, काजू कतली अब नहीं बन पाएगी, सुबह ही बनाएंगे। और अभी मैं थोड़ा सा चावल बना के फिर मिलती हूँ आपको। हाँ मम्मी बना रही है, ये निकाल रही है खाने के लिए। अब हमारे यहाँ तो इनको क्या बोले, फालरियां बोली जाती है, आप तो पता नहीं क्या बोलते हैं। बत्ती तो मैंने दिए की कली बना के रख दी थी, अभी मम्मी तेल डाल के रख रही है क्योंकि अभी अंधेरा आने वाला है तो जलाने वाले दिए को। और बड़ी मम्मी को हमने खाने भी बुला लिया है, पूजा में अभी थोड़ा सा टाइम है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने और कृष्णा जी ने कुछ लाइट्स और कुछ पत्तियों, आर्टिफिशियल पत्तियों से डेकोरेशन किया, माला भी नीचे लगा दी है हमने, तो यार थोड़ा बहुत तो अच्छा ही हुआ था डेकोरेशन। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी जी के पेड़ लगा रही हूँ क्योंकि शुभ माने जाते हैं पेड़ और स्वास्थ्य के वो सब कुछ लगाना। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के पास में ही शुभ लाभ का भी ये नाम लगा दिया है। सबसे पहले फर्स्ट दिया मैं मंदिर में रखूंगी, फिर जाके छत पे रखूंगी। यार अब तो पता नहीं मेरे गांव में दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं है वो भी नहीं पता, तो मैं खूब एंजॉय करना चाहती हूँ इस दिवाली को। दिए रख रही थी इतने में भाई भी आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए, वो इतनी देर कहीं गया हुआ था, तो सही है साथ में सेलिब्रेट करने का तो मजा ही कुछ अलग ही है। आज तो पापा भी हमारे साथ दिवाली को खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो अब तो बस मम्मी की कमी है, वो नीचे रह गई है क्योंकि उसे छत पे आना थोड़ा मुश्किल। तो पॉलीथीन में ले रखी है मैंने सारी मोमबत्ती, दिए तो हमने जला दिए है, बीच बीच में मोमबत्ती भी लगाते हैं क्योंकि सारी मोमबत्ती ऐसे ही वेस्ट जाएगी फिर। तो ये रंगोली वाली क्लिप मेरे दूसरे दिन की है, मैंने दूसरे दिन रंगोली बनाई थी, मैं दिवाली के दिन नहीं बना पाई, तो ये इसी में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी तो मैंने इसी वीडियो में ये एड कर दी है क्लिप को। पूजा का टाइम हो गया है और अब आया एक सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए, गन्ना अंदर रखने का।
तो यार एक गन्ना तो हमने छोटा वाला तो अंदर रख दिया, लेकिन एक गन्ना जो रूम से भी बड़ा है वो कैसे रखे? तो इसको हमें लगता है कि तोड़ के ही रखना पड़ेगा। सब कौन सी आ रही यार इस गन्ने पे, तो ऐसे तो कैसे भी नहीं आ रहा है ये अंदर। हमारा डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है, अब बारी आई पूजा करने की। तो यहाँ पे हमने पाटा वगैरह सब कुछ रख दिया और मूर्ति को भी लाके रख दिया है। गणेश जी की मूर्ति भी ऐसी थी हमारे पास जैसी लक्ष्मी जी की है, लेकिन वो गिर के टूट गई, तो लक्ष्मी गणेश जी की छोटी वाली मूर्ति ही रखनी पड़ी हमें। और यहाँ पे पूजा अब की बार भाई कर रहा है, मैंने भाई को बिठाया है क्योंकि मैं बोलती हूँ हर बार तो मैं रहूंगी नहीं, तो तुझे ही सीखनी पड़ेगी। मम्मी पापा को भी मैंने पीछे बिठा दिया है, अब की बार तो भाई ही करेगा पूजा। तो यार भाई को कुछ करना ही नहीं आता, हम सबको हंसी आती है उसपे। तो वो धीरे धीरे उस 2 घंटे लगा दिए उसको पूजा करने में, इसको 2 घंटे लग गए हैं। तो ये हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा था, बता रहे हैं कुछ और कर कुछ और रहा था। तो इसकी कृष्णा जी और मम्मी भी हेल्प करा रहे थे साथ में ही। तो हमने झाड़ू की भी तो पूजा कर ली है, और धनिया वगैरह जो भी धनतेरस को लेके आए थे सामान उसकी भी पूजा हो गई है। और अब बारी आई है गन्ने की। पान भी रख लेते हैं क्योंकि पान भी एक महत्वपूर्ण सामग्री है लक्ष्मी पूजन में। तो हमने पतासे वगैरह सब कुछ डाल के पान को रख दिया है। तो हमारी पूजा तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन अब बारी है राजस्थान के कल्चर की। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि घर की धन लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी जी की पूजा अपने पल्लू से ऐसे करती है। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद हम सब ने बारी बारी आके फोटोज क्लिक करवाई। हमारे घर पे तो पूजा हो गई थी, लेकिन अभी ताऊजी के घर पे पूजा करनी बाकी थी। तो भाई बोला है कि तू आई हुई है तो तू ही पूजा करवा दे। तो यहाँ पे भी मैंने छोटे वाले भाई को बिठा दिया है पूजा करने के लिए, क्योंकि उसको भी सिखाना था पूजा करना। और ये है हमारा घर का कुछ डेकोरेशन। इनको सर्दी लग रही है गाइज, ये देख लो आप, इनको सर्दी लग रही है। तो मैंने अपने इयररिंग्स निकाल के रख दिए क्योंकि ये बार बार गिर रहे थे, और मैंने अपने इयररिंग्स के 2-3 लॉक घुमा दिए, पीछे के जो लॉक होते हैं। मैंने काफी सारे इयररिंग्स के निकाल के पहने और बार बार गिरे जा रहे थे, तो वो घूम भी गए हुए क्योंकि काफी ज्यादा हैवी थे तो मेरे से संभल नहीं रहे थे। और मम्मी ने भी अपना ओढ़ना चेंज कर लिया क्योंकि वो भी बार बार नीचे खिसक रहा था, तो मम्मी बोली कि मेरे से नहीं संभल रहा जा रहा। और आज है भाभी का बर्थडे, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन कर दिया अपने से जो हुआ। हमारे पास सेंटर टेबल नहीं थी केक को रखने के लिए, तो मैंने क्या करा, बड़ा वाला बॉक्स रख दिया और उसपे कर्टन डाल दिया और 1-2 गुब्बारे भी लगा दिए ताकि इसका लुक अच्छा आ सके। तो यहाँ पे हमारे केक कटिंग शुरू हो चुकी है, हमने किसी को नहीं बुलाया, बस फैमिली वाले ही हैं थोड़े बहुत। हम सब ने कर दिया डांस स्टार्ट। तो हमारा प्लान था डीजे लाने का, डीजे वाले को बोल भी रखा था डीजे का लाने का, लेकिन यार उसने कॉल ही नहीं उठाया और ना कुछ रिप्लाई दिया। तो काफी देर वेट करने के बाद कृष्णा जी ने गाड़ी यहाँ पे रोक के और गाड़ी में साउंड बजवा दिए और हमने सबने डांस किया, खूब इंजॉय किया। तो
देखो इसका बचपना, बचपना देखो इसका क्या छोड़ रही है गाइस, ये देखो सांप। चलो गाइस ये ले सांप। यहाँ पे हम सबका कंपटीशन चल रहा था कि सबसे लास्ट में ये फुलझड़ी किसकी बुझेगी, तो मेरी तो फुलझड़ी सबसे पहले ही बुझ गई थी। लास्ट में कृष्णा जी और रवि बचे थे, इनमें से सबसे लास्ट में कृष्णा जी की ही फुलझड़ी बची तो थी। दिवाली खूब अच्छे से सेलिब्रेट कर ली हमने, खूब मजा आया हमको, खूब इंजॉय किया सबने, तो पटाखे भी छोड़े काफी सारे और खाना भी खा लिया था हमने बीच में। हमने सोचा कि एक बार साथ में ही खाएंगे सारे फैमिली वाले, लेकिन यार ऐसा तो नहीं हो पाया क्योंकि भाभी का बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिजी हो गए, तो आधे कभी खाए आधे कभी खाए, तो अब तो थक चुके हैं। देखो कृष्णा जी भी आगे सो गए हैं, और भाई को दिखा देती हूँ बाद। देखो भाई, देखो यहाँ पे कड़ा कड़ा फोन देख रहा है बेचारा। मैंने कहा बोला यार अभी तो मेरी फोटोज भी क्लिक नहीं हुई है, मैं तो एक दो वीडियो ही नहीं बना पाई, तो वीडियो बनाएंगे अभी अभी एक बज गए हैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, वीडियो बना पाते हैं या नहीं। नींद आ रही है बहुत ज्यादा तेज। आज का हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।